दमोह लाइन जाते सो बीच में खत्म, बीच में कोपर आके 2 किलोमीटर आगे हो गई खत्म। उसके बाद बस से जंगल में उतार दिया उन लोगों ने। हाँ जंगल में नहीं, 2 टपारियां बनी, एक ढाबा खुलो उतर उतार दो उतर उतार आएगा खत्म हो गए। उतार के वो चले गए बस वाले। हाँ बस वाले चले गए। कहाँ से कहाँ जाती है बस? दमोह से सायगढ़। कल बक्सवाह तहसील के घोगरा से एक परिवार दमोह जा रहा था अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए। वो जो उनकी पत्नी बीमार थी वो बस में कहीं भी रास्ते में ख़त्म हो गई थी। उनको चैनपुरा के नज़दीक आपने उतारा था, क्यों उतार दिया था इस तरह इस हालत में? नहीं वो बुलाया था, मिले बुला भाई कि फ्री के बाद उतार। नहीं कोई भी वाहन, वो 2 घंटे तक ऐसे ही बारिश में भीगते रहे। 5 दिन की बच्ची थी साथ में। बगैर पहुँची जब के बाद में हम उन्हें भी कहने चल लो उतार लो, पैसेंजर भी कह रहे कि भाई साहब उतार लो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसके लिए बताओ। बलेरो भी करवाए, बलेरो में अपन ने जा कही कि बलेरो आई, बलेरो में ले जाओ। उनने भी कही कि भैया हमें 2500 नहीं देने, हमने 2000 देने। अपन ने 2000 में बात करवाई, ये तई से बलेरो गई थी पटियाला से। ये उतारा नहीं है अपन ने, उसका मिस्टर उसके साथ में था। तो ये बमोरी से आ रहे थे घोगरी गाँव से, बीमार थी उसकी, सागर में डिलीवरी हुई थी। तो सागर से मतलब तबीयत गड़बड़ हुई तो अपनी बस से आ रही थी वो दमोह, बटियागढ़ तक वो बोलती आई। बटियागढ़ के बाद कोपरा के पास वो ख़त्म हो गई। तो उसके पति ने बोला हमें कोई साधन की व्यवस्था करा दो। तो अपने गाड़ी में एक माँ साहब बैठे थे अरविंद ब्यास करके, उनने फ़ोन लगाया बटियागढ़ से मनीष चौरसिया की तवेरा गाड़ी आई, वो लेके गई। और गाड़ी के 5 मिनट पहले अपन ने उसको नीचे उतारा था, मतलब तवेरा गाड़ी आने के 5 मिनट पहले उसको नीचे रखा था अपन ने। ये जो एक महिला यहाँ से घोगरा से इलाज के लिए दमोह जा रही थी, उसको बस से उतार दिया था। ये हमको जानकारी मिली थी कि ये चैनपुरा के पास की घटना है, वहाँ पे हमने मौके पे तस्दीक किया था। तो हमारे इलाके की घटना नहीं पाई गई, वो जो है नरसिंहगढ़ चौकी थाना दमोह देहात के अंतर्गत में पड़ती है। यदि हमारे इलाके में ऐसी अगर कोई घटना घटित होती तो हम कार्रवाई करते। अब दमोह देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत की घटना है तो वो भी जो होगी उचित कार्रवाई करेंगे। हाँ वो मेरे संज्ञान में भी है, बस वाले को कारण बताओ सूचना पत्र हम जारी कर रहे हैं कि ऐसी आपने जो एक महिला थी जिसके साथ आपने इस तरह का दुर्व्यवहार किया, किन कारणों से किया, और यदि उसमें गलती उसकी प्रतीत होती तो कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से। उसके क्या नाम रजिस्ट्रेशन जो होता है उसका वाहन का, उसको निरस्त करने की कार्रवाई भी करेंगे। कैसा शव वाहन का अभाव है या कुछ और का? हाँ शव वाहन का अभाव है, यहाँ शव वाहन नहीं है, ये एक समस्या है जिला अस्पताल में। यदि शव वाहन होता तो ऐसी शायद ऐसी स्थिति निर्मित ना होती।